प्रदेश के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कहा है कि जेल के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में प्रदेश की जेलों में सुधार के लिए कई सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर अपना फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि कल की कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला आज अपने आवास पर हांसी के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए थे। वहीं फतेहाबाद कष्ट निवारण समिति में विधायक देवेंद्र बबली द्वारा पुलिस पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन में किसी भी फेरबदल पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में फेरबदल करना गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को फैसले लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रशासन को लगातार चुस्त दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नई गठबंधन सरकार है, कुछ नए विधायक हैं, कई बार इस तरह के मामले आ सकते हैं, लेकिन सभी मामले पटरी पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में तेजी से मामले निपटाए जाते हैं ताकि आमजन को उतना ही फायदा हो। वहीं सिरसा जेल में प्रताड़ना को लेकर एक बंदी के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप पर कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई मामला आया नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल में किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। वहीं उन्होंने कहा कि केवल संगीन अपराधों के जुर्म में बंद कैदियों पर नजर जरूर रखी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद कैदियों को सजा में रखने की बजाय सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। सारा कुछ प्लान करके सीएम साहब को दे दिया है और मेरे ख्याल में बड़ा जल्दी ही वो कुछ अनाउंस करेंगे। कल हमारी कैबिनेट मीटिंग हो सकता है, शायद उसके बाद ही वो अनाउंस कर दें। कुछ सुझाव सजेशन है, वो अकेले मेरे हाथ तो नहीं होती, हमें फाइनेंशियली इम्प्लिकेशंस होती है, इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा सीएम साहब से बात करके मैं कह सकूँगा। विज साहब कह सकते हैं कि वो होम मिनिस्टर है, उनका मंत्रालय उनका अपना है, या उस पर सीएम साहब कह सकते हैं। मैं उनके मंत्रालय में क्या चेंज होगा क्या होगा इस पर मेरा कहना उचित नहीं, पर ये बात ज़रूर ठीक है कि हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप तो किया जा रहा है। ये मैं मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जहाँ भी जाओ अफसरों से कहो, क्योंकि आज अखबारों में भी थोड़ा सा इम्प्रेशन है कि वो मिड्डा साहब से के ऑफिसर्स को थोड़ा सा, और सीएम साहब कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऑफिसर्स को भी थोड़ा सा, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, नए MLA हैं, थोड़ा सा एक बार कुछ एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, तो बहुत पटरी पे आ रहा है सब मामला, बहुत ठीक हो रहा है। मैं जो है ना जी, इमीडिएट कल देखिए, सबसे ज़्यादा हम पे शिकायतें थी, मैंने तुरंत निपटाई, खाली 5 पेंडिंग नहीं, 11 में 4 रही हैं, 11 हमने साथ के साथ फाइल करवा दी, कर दिया निर्णय, और मैं तो बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ। जो भी है, मेरा ये है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ज़्यादा आनी चाहिए, और बहुत उलझे हुए केस जिनमें कुछ है नहीं वो फाइल कर देने चाहिए, जितना मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिले, इससे एक फ़ायदा होता है, इस कोर्ट से ऑफिसर ठीक चलते हैं, लोगों को आम जन को अपनी शिकायत ठीक करने, अगर मौके के फैसले होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है जिसका मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक नया तरीका है जिसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बालोटा जेल में एक मामला है जिसमें बंदियों के परिजनों ने आरोप लगाया कि बंदियों को प्रताड़ित किया जाता है जेल प्रशासन द्वारा। देखिए, मेरे टेक ओवर होने के बाद इस तरीके की कहीं बात नहीं है। सब जेल स्टूडेंट को ये पता है कि रंजीत सिंह सख्त मिनिस्टर है, और कोई भी आदमी जाते कहीं भी नहीं कर सकता, किसी कैदी से भी नहीं होगी। हार्ड क्रिमिनल है, उनके साथ थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा उनसे एहतियात बरते जाते हैं, बाकी आम हमें कैदियों को सजा में रखना जरूरी नहीं, उन्हें सुधारना जरूरी है, हम उस एंगल से काम करते हैं। सिरसा से सुनील वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।